सत्य के साथ। पर्यटन प्रदेश उत्तराखंड में ट्रैफिक समस्या सबसे बड़ी चुनौती है। सुबह से लेकर शाम और रात तक शहर के हर हिस्से में ट्रैफिक जाम का आलम अब आम बात हो गई है, जिसकी वजह से हर रोज लोगों को दो चार होना पड़ता है। शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लोगों को घंटों जद्दोजहद करनी पड़ती है। सड़कों पर घंटों वाहन रेंगते नजर आते हैं, जिस वजह से सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। मैदानी हो या फिर पहाड़ी, ये आलम ज्यादातर इलाकों में अब आम है। जाम लगने की एक सबसे बड़ी वजह है सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियों का होना है। जगह ना होने की वजह से गाड़ियों को बेतरतीब ढंग से पार्क किया जाता है। शहर की अंदरूनी जगह हो या फिर राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कें, पार्किंग का होना परेशानी का सबब है, जिससे दुर्घटना का भी खतरा बना रहता है। चार पहिया और दो पहिया गाड़ियों में सवार लोग गाड़ियों को इधर उधर पार्क करते हैं, जिस वजह से पैदल चलना तक दूभर हो जाता है। उत्तराखंड में दूर दूर से पर्यटकों का आना जाना 12 महीने लगा रहता है, राजधानी देहरादून हो या फिर यहाँ के हिल स्टेशन। यहाँ ज्यादातर सभी जगह पार्किंग के इंतजाम न होना लोकल के अलावा बाहरी लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी है। इसी परेशानी का हल ढूंढते हुए सरकार ने जरूरी कदम उठाया है, जिसके तहत उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल और पौड़ी जैसे पहाड़ी इलाकों में टनल पार्किंग पर काम शुरू होगा, जिनसे पौड़ी और टिहरी जिले में पहले चरण में 12 टनल पार्किंग के स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश में कुल 180 पार्किंग स्थल चुने गए हैं। इस तरह की पार्किंग देश में कहीं नहीं है। उत्तराखंड देश का पहला एक ऐसा राज्य है जहाँ इस तरह की टनल पार्किंग के प्रोजेक्ट पर काम होगा। पिछले साल सरकार को TSDC ने टनल पार्किंग बनाने का प्रपोजल दिया था, जिसके बाद अब टनल पार्किंग के लिए TSDC, UJVNL और RVNL को जिम्मा सौंपा गया है, जिस पर वो अब कंपनियां मिलकर काम करेंगी। हालांकि इन टनल को बनाने के लिए पर्यावरणीय चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सरकार का कहना है कि सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए टनल का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकार का मानना है कि इससे पार्किंग की बड़ी समस्या से भी निजात मिल सकेगी। सत्य के साथ।